आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार इन्फो के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा का स्नातक पार्ट टू का एडमिट कार्ड ओरिजिनल डाउनलोड कब करेंगे। इसके बाद आप सभी अपना असाइनमेंट क्वेश्चन कहाँ से देखेंगे। आखिरकार आपका स्नातक पार्ट टू का एग्जाम इस बार घर बैठे असाइनमेंट के आधार पर होने वाला है। विश्वविद्यालय आरा स्नातक पार्ट टू का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का मौका दिया था, लेकिन फिर से साइट से हटाकर विश्वविद्यालय उस एडमिट कार्ड में त्रुटि का जो सुधार कर रहा है। और आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड कब आएगा, चलिए इस वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी को बता देते हैं। सबसे पहले ये भी बता दें कि कुछ दिनों से चैनल पर वीडियो नहीं आ रहा था। बहुत से छात्रों का कॉल्स मैसेज आ रहा था कि चैनल पर कोई भी वीडियो स्नातक पार्ट टू के रिगार्डिंग नहीं आ रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न कुछ नेगेटिव टेक्निकल फॉल्ट या आप कह सकते हैं कि कुछ सेटअप सही नहीं था, इसलिए आपका वीडियो स्नातक पार्ट टू का नहीं आ रहा था। लेकिन जो भी नोटिस आता था आप टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से देख लेते थे, क्योंकि टेलीग्राम पर बहुत से छात्र जुड़े हैं। यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड करके इस वीडियो के माध्यम से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। तो सबसे पहले जो नोटिस आया है पेपर के आर्टिकल्स के माध्यम से हम देख रहे हैं कि स्नातक पार्ट टू का जो परीक्षा है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि परीक्षा विभाग ने सूचित कर दिया है कि 18 से 21 का आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड जो आएगा आपका 5 तारीख के बाद ही आएगा। सबसे पहले ये बता दें, और स्नातक पार्ट टू का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्नातक पार्ट टू का एडमिट कार्ड 5 जून के तक आपका आ जाएगा। और असाइनमेंट क्वेश्चन जो है, जितने भी छात्रों का असाइनमेंट क्वेश्चन इस बार आपका असाइनमेंट ठीक ठाक रहा, 70% से मार्क्स यदि आपका ज़्यादा रहता है तो आपको विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर भी आपका अधिक मार्क्स आ जाने के कारण आपका जो असाइनमेंट क्वेश्चन का प्रश्न पत्र का उत्तर है आपका वेबसाइट पर अपलोड करने का विश्वविद्यालय जिम्मा लेता है। लेकिन यहाँ पे आपको 2500 से 3000 जो वर्ड लिखना है ये आपका असाइनमेंट प्रश्न आने के बाद ही होगा। तो असाइनमेंट प्रश्न आपका कब आएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा जून माह के अंत में। प्रश्न पत्रों को विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। सबसे पहले ये भी बता दें कि बिहार सरकार के लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए 8 तारीख तक लॉकडाउन को घोषित किया गया है कि 8 तारीख तक लॉकडाउन रहेगा। इसी कारण विश्वविद्यालय और कॉलेज का कुछ भी काम नहीं हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले ये भी बता दें कि एडमिट कार्ड और आपका असाइनमेंट क्वेश्चन डाउनलोड करेंगे कहाँ ले। सबसे पहले तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि विश्वविद्यालय आरा का जो भी जानकारी लेना है तो आपको सर्च करना है, हमेशा अपने दोस्तों को भी सर्च कराना है, आप भी सर्च करना है वेबसाइट पर, और अपना जो भी आपका टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है चारों तरफ शेयर भी करना है। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और सबसे पहले ये सर्च करना है आपको गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करके BIHAR, तो ये कर देते हैं कीबोर्ड सबसे पहले हम इंग्लिश में। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इंग्लिश में कर दिए हैं। यहाँ पे इंग्लिश में करने के बाद आपको सर्च करना है BIHAR INFO.IN, ये आपको हमेशा सर्च करना है। यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं कि बिहार इन्फो INFO बिहार इन्फो सर्च करना है हमेशा आपको। और बिहार इन्फो सर्च करने के बाद आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है BIHAR INFO.IN चैनल का, तो सबसे पहले आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो एडमिट कार्ड, लेकिन हम सबसे बात करते हैं असाइनमेंट क्वेश्चन को लेकर। तो असाइनमेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे ऊपर ही डाल दिया गया है, जो आपका एडमिट कार्ड है ओरिजिनल जो आपका एडमिट कार्ड आएगा तो सबसे पहले इसी लिंक के माध्यम से आएगा। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको आना है BKC वाला एडमिट कार्ड पर, और इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं आप सभी को पता है, लेकिन आपको फिर से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो इसी लिंक पर आना है। और इसी लिंक पर आने के बाद अपना पार्ट टू का एडमिट कार्ड आकर नीचे डाउनलोड कर लेना है। अब रहा क्या असाइनमेंट क्वेश्चन को लेकर, तो असाइनमेंट क्वेश्चन को लेकर आपको बता दिए हैं कि फिर से होम पर आना है, और होम पर आने के बाद वहाँ पे देखेंगे सभी सब्जेक्ट का वहाँ पे नोटिस डाल दिया गया है। अब धीरे धीरे रहा कि आपका जो सब्जेक्ट का प्रश्न पत्र आ जाएगा तो हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं कि वहाँ पर अपलोड कर देते हैं। अब जैसे जैसे आएगा क्वेश्चन आपको यहाँ पर अपलोड करने पर आप यहाँ से आसानी से, क्योंकि विश्वविद्यालय आरा का जो पोर्टल होता है वहाँ पर आप सब्जेक्ट को खोज नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे आपको इंडिकेट कर दिया गया कि आपका अनर्स कौन सा है, आप यहाँ पे किस सब्जेक्ट का डाउनलोड करना चाहते हैं। तो पूरा यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स के साथ बताया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।